1906 के कलकत्ता अधिवेशन में शुरू हुई स्वराज की लहर पूरे देश में फैल रही थी। जन सहयोग से कांग्रेस इस लहर की अगुवाई कर रही थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की एक खासियत नजर आई, जहां उसने अलग अलग मतों को साथ लेते हुए भारत माता की आजादी के एकमात्र उद्देश्य की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन को निरस्त किए जाने और बंगाली अस्मिता को एकजुट रखने, भारतीय सैनिकों को आर्मी के उच्च पदों पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया। अकाल संकट के बाद लगातार बढ़ती महंगाई पर भी कांग्रेस ने विरोध का रुख अपनाया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने प्राथमिक शिक्षा को फ्री करने की बात भी उठाई। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1909 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजों की एक और विभाजनकारी चाल को मात दे दी, धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन के गठन को अस्वीकार करके। अंग्रेजी हुकूमत देश को बांटने के लिए हर हथकंडा अपना रही थी, लेकिन आज ही की तरह कांग्रेस देश को एकजुट रख रही थी। इसी अधिवेशन में भूपेंद्रनाथ बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश हुकूमत के विभाजनकारी एजेंडे को दुनिया के सामने लाने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। अफ्रीकी देशों में भारतीय मजदूरों को यातनापूर्ण जीवन दिया जाता था। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजों की इस गिर मिटिया प्रणाली का विरोध करते हुए भारतीय मजदूरों को अफ्रीका न भेजने की बात रखी। कांग्रेस लगातार भारतीय हितों की रक्षा करने और देश की जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाब हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस के उद्देश्य में, विचारों में, लक्ष्यों में, कार्य प्रणाली में भारत के हित ही सर्वोपरि रहे हैं। यही क्रम आज तक जारी है। आरटीई को ही देख लीजिए, ये भले ही 2009 में आया, परंतु इसकी नींव आप लगभग 100 साल पहले 1908 के अधिवेशन में देख सकते हैं। इसलिए हम भारत भूमि के हितों से कभी कदम पीछे नहीं खींचेंगे, स्थितियां चाहे जो हों। जय हिंद।